रवि कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। हाँ वो एक्चुअली रवि भाई एक अर्जेंट डील फाइनल करने के लिए गए हैं, जिससे मैडम को एक बहुत बड़ी रकम मिलने वाली है और उन पैसों से मैडम इस घर को वापस खरीद लेंगी। अच्छा मैं भी आया। श्योर। नमस्ते जी। कैसे हो जी? ठीक। कैसे हो साकेत? यहाँ पे अचानक कैसे? वो किसी काम की वजह से अंबाले आया। नीलामी के बारे में पता चला तो मिस लूद्रा की हिम्मत बढ़ाने आ गया। पुरानी दोस्ती हमारी। हाँ बिल्कुल। क्या है वीर जी, आप तो हमें सब भूल ही गए हो। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। हाँ मेरे साथ चलो। ठीक है ठीक, तुम यहीं रुको। जिस साकेत जैसा आदमी यहाँ अच्छी नीयत से तो आया नहीं होगा। मुंह में राम बगल में छुरी वाला बंदा है ये तो, और ये निवेदिता के साथ दोस्ती निभाने आया हो ये भी नहीं हो सकता। तो फिर कौन सा इरादा है जो इसे दिल्ली से इतनी दूर यहाँ तक ले आया, और वो भी अचानक? कुछ तो गड़बड़। अब क्या हो गया श्वेता, क्या बात करनी है तुझे? अरे वीर जी आपको पता आपका कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी मैं। अरे हुआ क्या था, आपका फोन क्यों बंद आ रहा था? अरे फ्लाइट में बैठा था, वहाँ फोन स्विच ऑफ रखना पड़ता, ऊपर नेटवर्क नहीं पकड़ता। मैं कौन सा फ्लाइटों में घूमती हूँ, मुझे क्या पता क्या होता क्या नहीं। अरे एनीवेज वीर जी आप ना बिल्कुल सही टाइम पे आए, नीलामी ना अभी शुरू होने वाली है। और वीर जी बंदोबस्त हो गया ना? मेरा मतलब है मैंने ना रवि को कल ना फोन पे बात करते सुना कि 20-30 करोड़ बहुत होंगे इस प्रॉपर्टी के लिए, इतना तो हो गया ना? तुझे मेरी कौन सी बात समझ में नहीं आई? कितनी बार कह चुका हूँ 10-20 करोड़ मिले छुट्टे पैसे, ऐसे 2 नहीं 50 घर खरीद सकता हूँ मैं। वो तो फिक्र क्यों करती है? अरे तू साकेत कपूर की बहन है, बस सपने देखना शुरू कर दे कि कैसे इस घर पर राज करेगी। तो अच्छा देख तू नीलामी में कौन आया। कल से उस घर की मालकिन मैं बन जाऊंगी, फिर तो मेरा ही हुक्म। धोखेबाज गद्दार, तूने मेरे पीठ पीछे ऐसे वार किया और तूने अपने भाई के साथ मिलकर इतनी बड़ी चाल चली, मुझे भनक तक नहीं लगती थी। ओ, अच्छा इसलिए वहां से निकलने को तो इतनी उतावली हो रही थी, इतनी खुश हो रही थी, और मुझे भी यहाँ इसीलिए लाना चाहती थी ना तू? श्वेता तो बड़ी नाशुक्री निकली, तूने रिश्ते का भी लिहाज नहीं किया, मैंने कितना प्यार दिया तुझे और तूने मुझे धोखा दे दिया। तूने अपने भाई को बुलाया ताकि वो मकान खरीद ले और तू उस पर राज कर सके, तूने तो जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। क्यों किया तूने ऐसा? मैंने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया, और वैसे भी वीर जी अगर वो घर मेरे लिए खरीदना चाहते हो तो इसमें बुराई क्या है? हाँ और मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा था जो मैं मना करती? और हाँ आप भी जरा जबान संभाल के बात किया करिए मुझसे। श्वेता कहीं आपकी बातें आप ही को ना भारी पड़ जाए मम्मी जी, क्योंकि इस घर में कल से आपको मैं रखूंगी, उस घर की मालकिन मैं बन जाऊंगी। और हाँ ज्यादा बोल बच्चे किए ना तो उस घर का सारा काम मैं आपसे करवाऊंगी। मुझे याद आया एक हंटर भी रखा है मेरे पास, उसकी आवाज बड़ी कड़क है और हाँ मार भी बहुत जोर से पड़ती है। तो उससे बुरी बहुत पूरी दुनिया में कोई नहीं है कि श्वेता एहसान फरामोश है तू। वो कैसे सीधी साधी भोली वाली गाय की तरह मेरे आगे पीछे मम्मी जी कहके घूमती फिरती थी, और आज मुझे सींग दिखा रही है। चलाक लोमड़ी है तू, चलाक लोमड़ी। हाँ, अच्छा जी चलाकी तो मैंने आप ही से सीखी है ना मम्मी जी, आप एक चलाक और मतलबी औरत है, और आप ही का तो रंग चढ़ा है मुझ पे। और मैं खुश हूँ कि मैं ऐसी हूँ, अगर मैं देविका की तरह भोली होती ना आपने तो मुझे भी मार डालना था। अब एक लफ्ज और नहीं वरना बहुत पछताओगी आप। मेरे अपने ही पाप मेरे सर पर टूट रहे हैं, इसीलिए ये दिन देखना पड़ रहा है। दौलत मिलना तो दूर, इज्जत तो गौड़ी की नहीं रही। आज अगर देविका जिंदा होती तो मेरा ऐसा हाल कभी नहीं होने देती। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ देख के बहुत खुशी हो रही है कि आज अंबाला शहर की नामी हस्तियां मौजूद हैं इस ऑक्शन के लिए, तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। Shall we start, sir? इस बंगले की नीलामी की कार्रवाई शुरू की जाए। तो हम इस ऑक्शन शुरू करने से पहले इस बंगले के बारे में बताना चाहूं। जैसे कि आप इस पर्दे पर देख रहे हैं इतना आलीशान बंगला है, दिखने में इतना सुंदर कि देखने वाला देखता ही रह जाए। इसकी इतनी शानदार इंटीरियर, एक नजर डालिए इसकी सजावट पर, ये झूमर, ये एंटीक पीसेस, ये बेशकीमती कालीन और ये फर्नीचर, ये सभी आपको घर के साथ मिलेंगे। और इसके कमरे
इतने बड़े हैं कि हर लग्जरी सामान फिट है इसमें, तो मुझे नहीं लगता यहाँ राजा महाराजा रहने से भी कतराएंगे। तो आप सब समझदार हैं, तो दिल खोल के बोली लगाइएगा। बुरा लग रहा है मुझे इस तरह अपने घर की नुमाइश होते हुए देखकर, बहुत तकलीफ हो रही है। But that's it. इन बैंक वालों को मुंह तोड़ जवाब देना है आज मुझे, अपना घर वापस खरीद कर, फिर मेरा स्टेटस पहले की तरह ऊंचा हो जाएगा। तो पहली बोली कौन लगा रहा है? 15 करोड़। 15 करोड़ तो बहुत कम है इस नया प्रॉपर्टी के लिए। चलो शुरुआत के लिए ठीक है, और कोई है? 15 करोड़ 1, 15 करोड़ 2, 18 करोड़, गुड। 18 करोड़ 1, 18 करोड़ 2, और कोई है? 20 करोड़, 20 करोड़ 1, 20 करोड़ 2। लगता है आप ध्यान से नहीं देख पाए, एक बार गौर से देखिए। 22 करोड़। अवश्य एक ड्रामा खत्म नहीं हुआ, फिर दूसरा शुरू हो गया। क्या मतलब? मतलब पहले तो साकेत आया था आपकी मदद करने, पता नहीं क्या सोचकर, और अभी ये आ चुकी है। क्या? कौन? आपकी बेस्ट फ्रेंड अंबिका की मॉम। उधर देखिए। निवेदिता जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पे जो भी आ रहा है आपकी कब्र खोदने के लिए आ रहा है। ये नीलामी बहुत दिलचस्प होगी। हमारे बीच एक बड़ी शख्सियत ऑक्शन में उतर रही है। एक कंस्ट्रक्शन की मालकिन निवेदिता लूथरा का बंगला नीलाम हो रहा है, और एक बड़ी कंस्ट्रक्शन की मैग्नेट हमारे बीच जानकी देवी रायचंद मौजूद है। और तेरी, अब ये लगा ना सही दाम। आखिर अंबिका की माँ की माई है या? अंबिका ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया इसके बारे में। अभी तक तो ऑक्शन स्टार्ट भी हो गया होगा, पता नहीं क्या चल रहा है वहाँ पर, पता नहीं कौन कितने की बोली लगा रहा होगा। आज मैं भी वहाँ जा पाती, लेकिन मेरे वहाँ जाने से रिस्क बहुत बढ़ जाता। लेकिन मुझे जानना है कि वहाँ हो क्या रहा है। एक काम करती हूँ, माँ को एक बार फोन करके पूछ लेती हूँ। हाँ बेटा। माँ, माँ क्या हो रहा है वहाँ पर? ऑक्शन अभी भी स्टार्ट हुई है, फर्स्ट लेवल पर है। बोली बहुत कम पर लगी है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही है। तुम चाहो तो फोन पर रहकर सब सुन सकती हो। हाँ माँ प्लीज, प्लीज आप अपना ब्लूटूथ लगाकर लगातार मेरे साथ फोन पर रहिए। मुझे यहाँ पर ना बहुत बेचैनी हो रही है, मैं जानना चाहती हूँ कि वहाँ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, लाइन पर रहना, मैं अभी ब्लूटूथ ऑन करती हूँ। जी मैं फोन पर ही हूँ। ओके। हेलो मैम, बस आपसे बहुत अर्जेंट बात करनी थी, एक मिनट के लिए मैम। हाँ बोलो। मैम वो आदमी जिसने आपके खिलाफ मीडिया में झूठी खबरें फैलाई, आपकी कंपनी का नाम बर्बाद करा और आपकी पीठ पे वार किया, उस आदमी के बारे में पता चल चुका है मैम। एक मिनट होल्ड करो, मुझे यहाँ से बाहर निकल के बात करने दो। ये शहर का वो बंगला है जो शायद आप लोगों ने किताबों में देखा होगा। ये निवेदिता को क्या हो गया अचानक, वो भी इतनी जल्दी और इतना इम्पोर्टेंट ऑक्शन छोड़कर किसका कॉल अटेंड करने जा रही है? कुछ तो गड़बड़ है। आखिर ऐसा क्या है जो अपने घर से ज़्यादा मायने रखता है इसके लिए? मुझे पता लगाना होगा कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से ये इतनी डिस्टर्ब लग रही है। हाँ निज, तुम कुछ कह रहे थे, वो आदमी मिल गया जिसने मेरे खिलाफ ये साजिश रची थी, कहाँ है वो इस वक्त? मैम मैंने अपने कुछ एम्प्लॉयज़ के साथ उस एजेंट को कैप्चर करके रखा हुआ है, अपने पास ही रखा हुआ है मैम। बट मैम लगता है उसको किसी ने बहुत पैसे दिए हैं। मैम मैंने अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश करी कि वो सच उगल दे, लेकिन वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। इसलिए मैम मैं रिक्वेस्टिंग हूँ कि आप एक बार आके उससे बात कर लें, ताकि शायद आपके डर से वो कुछ बोल दे। मैम हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका असली दुश्मन कौन है जो आपका घर तक नीलाम करने को तैयार है। यू राइट अनुज,
मेरे लिए इस दुश्मन का नाम पता लगाना बहुत जरूरी है। इसके लिए मुझे ही वहां आना पड़ेगा। किसी भी हाल में इस आदमी के मुंह से वो नाम उगलवाना पड़ेगा, चाहे इसके लिए मुझे इसका गला ही क्यों ना दबाना पड़े। जहां तक इस ऑक्शन की बात है, आई थिंक कोई भी इसे हैंडल कर लेगा। यू जस्ट वेट देयर। उसे वहां पकड़ के रखना, हिलने मत देना। आई एम ऑन माई वे। ओके ओके मैम।